Hello and welcome you on my YouTube channel Let's Learn Digitally and today I am going to teach you बारह खड़ी, जिसे हिंदी में हम लोग बारह खड़ी बोलते हैं। क से लेकर ज्ञ तक का इसका यूज करते हैं मात्रा लगाकर, और हर एक छोटे बच्चे को वो पढ़ने आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप बुक्स बहुत ही आसानी से हिंदी की किताबें पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बारह खड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही ये यूजफुल टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहला है हमारा क से कबूतर। क से कबूतर भी होता है, और क से हमारे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बिना मात्रा लगाए बोल ही नहीं सकते। जैसे काम, क कपे आ की मात्रा, और म चाहे कोई भी और वर्ड्स लगा दीजिए आप तो काम। फिर है क कपे छोटी की मात्रा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है क। क कपे आ की मात्रा का, ये क कपे छोटी की मात्रा की, ये क कपे बड़ी की मात्रा की, क कपे छोटा ऊ की मात्रा को, क कपे बड़ा ऊ की मात्रा को, क कपे ए की मात्रा के, और ये है क कपे ए की मात्रा के, क कपे ओ की मात्रा को, और ये है क कपे औ की मात्रा कौ, क कपे अंग की मात्रा, और ये क क। ओके, तो ऐसे ही मैंने क से लेकर ज्ञ तक के सारे अक्षर लिख के और उस पर मात्राएँ लगाई हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप पहचान भी सकोगे कि कौन सी मात्रा किधर होती है और कैसी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ख, ये है ख से खरगोश। ख, ख कपे आ की मात्रा खा, ख कपे छोटी की मात्रा खी, बड़ी की मात्रा खी, छोटा की मात्रा खू, ख कपे बड़ा की मात्रा खू, ख कपे ए की मात्रा खे, ख कपे ए की मात्रा खै, ख कपे ओ की मात्रा खो, ख कपे औ की मात्रा ख, ख कपे अंग की मात्रा खं, और ख। ओके, नेक्स्ट है ग। ग, ग कपे आ की मात्रा गा, ग कपे छोटी की मात्रा गी, ग कपे बड़ी की मात्रा गी, ग कपे छोटा ऊ की मात्रा गु, ग कपे बड़ा ऊ की मात्रा गु, ग कपे ए की मात्रा गे, ग कपे ए की मात्रा गे, ग कपे ओ की मात्रा गु, ग कपे औ की मात्रा गौ, गंग और ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घ, घ, घा, इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घाव, घं, घा। ओके, नेक्स्ट है अंग। अंग का प्रयोग हम हमेशा किसी भी वर्ड के ना आरंभ में करते हैं ना शुरू में। कोई भी वर्ड्स अंग से स्टार्ट नहीं होता है और ना ही अंत में होता है। इसका जब भी अंग का यूज़ होता है हमेशा बीच में होता है। ओके, कहाँ होता है? बीच में। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स टाइप किए हैं, ये देखते हैं, जैसे पंख। ठीक है, पंख, नेक्स्ट वर्ड है पंख। फिर है गंगा, नेक्स्ट है अंधा। ठीक है, इसलिए इस पर हम कोई भी मात्रा लगा के स्पेसिफिक इसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखते हैं च। च से होता है चम्मच, तो ये हो गया च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन और चह। नेक्स्ट है छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छौ, छन और छह। नेक्स्ट है ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जे, जो, जौ, जन और जह। अगला है वर्ड छ, झ से झरना। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झे, झो, झौ, झन और छ। नेक्स्ट है
जैसे मैंने आपको अंगा में बताया, सेम प्रोसेस आपका इया में भी है। इसका भी यूज किसी भी वर्ड में हम आरंभ में या अंत में नहीं करते हैं, ठीक है। इसका भी यूज हम हमेशा किसी भी वर्ड के बीच में, ठीक है, किसी भी शब्द के बीच में करते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे चंचल, ठीक है, चंचल, सज्जा, रंजन इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है ट। ट से होता है टमाटर, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टाओ, टंग और टा। नेक्स्ट है ठ। ठ से ठठेरा, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठाओ, ठंग और ठा। अगला देख लेते हैं द। द से होती है डलिया, द से डमरू, डमरू भी होता है। आइए देखते हैं ड, दा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डाओ, डंग और डा। ओके, नेक्स्ट है ढ। ढ से होता है ढक्कन, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढाओ, ढंग और ढा। ओके, नेक्स्ट है अणा। अणा का भी यूज हम कोई भी वर्ड्स के शुरुआत में और अंत में हम नहीं करते हैं, क्योंकि अणा, अंग, ये सब ऐसे व्यंजन है जिसे हमें कोई भी सेंटेंस या वाक्य शब्द नहीं बना सकते। इसका जब भी यूज हम करते हैं हमेशा इन बिटवीन, ओके, सेंटेंस के फिर वर्ड के बीच में ही करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखते हैं, घंटा, यहाँ पे अड़ा आया है घंटा, कंठ, अंड, फिर है क्षण, फिर अक्षुण्य, मृणम्य, मध्यम, कर्ण इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है त। त से होता है तरबूज, त, टा, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तंग और तह। नेक्स्ट है थ। था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थंग, थह। ओके, अगला देख लेते हैं द। दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दं, दा। ओके, नेक्स्ट है ध। धा, धी, धी, धू, धू, धे, धे, धो, धौ, धं, धा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिख के बताएं। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, ने, नो, नौ, नंग, ना। ओके, नेक्स्ट है वर्ड हमारा प। प से पतंग, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पू, पौ, पंग, पह। नेक्स्ट वर्ड है फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फंग, फह। नेक्स्ट है ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बे, बो, बौ, बं, वह। अगला वर्ड है भ। भ से भालू, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भे, भो, भाव, भं, भह। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा म। म से मछली, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, माओ, मंग, माह। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा य। य से यज्ञ, य, या,
यी यू यू ये यै यो यौ यंग यह। नेक्स्ट वर्ड है र, र से रथ, र रा री री रू रू रे रे रो रौ रंग और रा। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल, ल से लट्टू, ल ला ली ली लू ले सॉरी लू लू ले ले लो लाओ लंग ला। ओके एंड नेक्स्ट इज व, व से वकील, व वा वी वी वो वे वै वो वा वंग वाह। नेक्स्ट वर्ड है श, श से शलजम, श सा शी शी शु शु शे शे शो शौ शं शह। एंड नेक्स्ट श से षटकोण, श सा सी सी सु सु से से शो सौ सं और शह। एंड नेक्स्ट इज स से सर होता है, इसको छोटा सा भी बोलते हैं, स सा सी सी सु सु से से सो सौ सं सह। ओके एंड नेक्स्ट इज ह, ह से हल, ह हा ही हु हु हे है हो हौ हंग एंड ह। अगला है छ, छ से क्षत्रिय, छ छा छी छी छु छु छे छे छो छौ छंग छ। नेक्स्ट इज त्र, त्र से त्रिशूल, त्र त्रा त्री त्रि त्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रं त्रः। ओके एंड लास्ट इज ज्ञ से ज्ञानी। ओके ज्ञ ज्ञा गी गी ग्यु ग्यु गे गे ग्यौ ग्यौ ग्यं ग्यः। ओके आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्न ऑल 12 खड़ी, आपको 12 खड़ी के बारे में पूरा पता चल गया होगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको मात्राएं बताऊंगी कि कैसे मात्राओं को पढ़ते हैं, ठीक है, और से कि कितनी मात्राएं होती हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से हम उनसे सेंटेंस बना सकते हैं जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने में, हिंदी की बुक पढ़ने में आसानी हो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।